साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान का झंडा फूका है यहाँ पर, वो इसलिए कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहीं रजौरी पुंछ में लगातार भारतीय जवानों पर हमले हो रहे हैं, वे शहादत दे रहे हैं। इन सब के लिए हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि जैसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, उसी तरह पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि पाकिस्तान के साथ तमाम राजनैतिक और कूटनैतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों से भी हम अपील करते हैं कि आगामी 24 अक्टूबर को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। देखिए, पूरा देश की जनता इस समय बहुत गुस्से के अंदर है और देश की जनता उन नेताओं को भी ढूंढ रही है जो एक सर के बदले 10 साल लाने का यहाँ पर जो है भाषणी शूरवीर थे, इस तरह का भाषण देते थे, आज वह तमाम हाथ पर हाथ रखकर मूक दर्शक बने हुए हैं।